Hello friends, this is Mudassir, welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics of educational sociology. In this topic, we are going to discuss kinds of social interaction, in which we had already discussed about conflict, competition, cooperation, accommodation. Now in this video segment, we are going to learn about assimilation. Let's begin our topic. जो assimilation है, ये एक fundamental social process है, ये एक ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फिर एक ही कल्चर में आके फिर यूनाइट होते हैं, वो फिर एक ही कल्चर बनाते हैं. सो जो सक्सेसफुल एकोमोडेशन है, ये स्टेज है एडिशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस. मीन्स जो जब भी ह्यूमन इंटरेक्शंस आपस में, मतलब जब भी ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सो उनकी जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो एजिमिलेशन होती हैं. सो अगर हम कंप्लीट अगर हम एजिमिलेशन की बात करें, इसका मतलब है कि कंप्लीट मर्ज होना या ज्वाइन होना टू और मोर बॉडीज़ जब ज्वाइन होती हैं एक सिंगल कॉमन बॉडी में. सो वो एक सिंगल कॉमन बॉडी बनाती हैं. लाइक अगर हम डाइजेशन की बात करें, जब भी एक ह्यूमन बींग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड खाता है उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है. सो इस प्रोसेस को हम एजिमिलेशन में डिफाइन कर सकते हैं. सो जो अगर हम सोशल रिलेशनशिप्स के हिसाब से एजिमिलेशन को डिफाइन करेंगे, ये कल्चरल डिफरेंस होती हैं बिटवीन द सेपरेट ग्रुप्स ऑफ पीपल. सो इसमें जो लोग होते हैं वो आके फील करते हैं, थिंक करते हैं, एक्ट करते हैं सिमिलरली, और वो एब्जॉर्ब करते हैं या एक्वायर करते हैं नए ट्रेडिशंस, एटीट्यूड्स, और जो कि कॉन्सिक्वेंटली नए होते हैं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए. सो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है जब एथनिक ग्रुप्स एंटर होते हैं नए एथनिक ग्रुप्स में या नई सोसाइटीज़ में विद देयर ओन कल्चर. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें अमेरिकन इंडियंस की, वो अडेप्ट करते हैं कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ अमेरिकन्स. वो अपने जो उनके कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो उनको अबेंडन करते हैं या रिप्लेस करते हैं नए कल्चरल एलिमेंट्स के साथ. बट जो एजिमिलेशन है ये लिमिटेड नहीं है खाली एक सिंगल फील्ड तक. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हस्बैंड्स और वाइफ मतलब एक हस्बैंड और वाइफ की विद डिसिमिलर बैकग्राउंड, जो कि वो फिर वो डेवलप करते हैं एक यूनिटी की सेंस, इंटरेस्ट और पर्पस जो कि सेम होता है. सो अगर हम टर्म एजिमिलेशन की बात करें, इसे हम यूजुअली अप्लाई करते हैं, ये एक इमाइग्रेंट और एथनिक माइनॉरिटी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नए नए कल्चरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्व करते हैं एक रिसीविंग सोसाइटी में. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमाइग्रेंट्स हैं वो लीव करते हैं अपने कल्चर को कम्प्लीटली, बट वो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ भी टू देयर कल्चर और टू दैट कंट्री. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एजिमिलेशन ऑफ नेग्रोइस, वो कंट्रीब्यूट करते हैं मच इन टू द अमेरिकन कल्चर, जैसे कि जैज म्यूज़िक उनका कल्चरल मतलब उनका म्यूज़िक है. सो इसका इम्पैक्ट भी हमें अमेरिकन कल्चर पे भी देखने को मिलता है. सो जो एजिमिलेशन है ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है. ये मतलब कई टाइम के बाद भी हो सकती हैं बिफोर जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स डिसिमिलर होके सिमिलर बनते हैं. सो जो एकल्चरेशन है एजिमिलेशन में, ये इसका फर्स्ट स्टेप हमें देखने को मिलता है. एकल्चरेशन ये एक नेम है जो कि हम देते हैं एक स्टेज पे जब कल्चरल ग्रुप्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं विथ अनदर कल्चर, जो कि वो बॉरो करते हैं वहाँ से कुछ कल्चरल एलिमेंट्स और अपनी कुछ कल्चरल एलिमेंट्स उनमें इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो जिसकी वजह से जो एसिमिलेशन है वो हमें देखने को मिलती हैं. सो जो कांटेक्ट होता है बिटवीन द टू ग्रुप्स, ये इनइवाइटेबली इफेक्ट करता है बोथ द ग्रुप्स. सो ये हमें नेचुरल देखने को मिलती है ये प्रोसेस, और ये कल्चरली जो भी वीकर ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बारो करते हैं फ्रॉम द स्ट्रांगर कल्चरल ग्रुप. सो टू गिव वेरी लिटल टू द कल्चरल स्ट्रांगर ग्रुप. सो ये वो बहुत ही कम देते हैं यहाँ से उनको
लेकिन वह वहाँ से बहुत कुछ लेते हैं। वैन जब भी दो कल्चर आपस में मिलते हैं, सो जो उनमें से डोमिनेंट कल्चर होता है वो इम्पैक्ट डालता है ज़्यादा वीकर कल्चर पे जब भी वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मलाया कल्चर की, बिफोर मुस्लिम रूल उसका जो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस था नेटिव कल्चर ऑफ बुद्धिज़्म पे वो ज़्यादा था, लेकिन जब मुस्लिम कल्चर सुपीरियर हमें देखने को मिला उसने उनको फिर डोमिनेट किया। सो एजिमिलेशन की कुछ डेफिनेशंस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। अकॉर्डिंग टू बेसंस वो कहते हैं कि जो एजिमिलेशन है ये एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स आगे शेयर करते हैं सेम सेंटिमेंट्स या गोल्स। इसके अलावा जो यस बोग्रेडस वो कहते हैं कि जो एजिमिलेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो एटीट्यूड्स होते हैं मनी पर्सनस का वो यूनाइट होके डेवलप होके एक ही ग्रुप में बनता है या डेवलप होता है या यूनाइट होता है। इसके अलावा जो ऑकबर्न एंड निमकॉफ हैं वो डिफाइन करते हैं जो एजिमिलेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो कि डिसिमिलर होते हैं वो सिमिलर बनते हैं बिकॉज उनके कुछ आइडेंटिफाई, मतलब उनको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं एज देम, मतलब एज सेम इन दियर इंटरेस्ट्स आउटलुक्स। सो फिर हम उनको उसी के अकॉर्डिंग मतलब देखते हैं। सो इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पार्क एंड बर्गेस वो कहते हैं कि जो एजिमिलेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन की, मींस इसमें जो ग्रुप्स होते हैं सेपरेट ग्रुप्स वो एक्ट करते हैं या वो मर्ज होते हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स एक्वायर करते हैं नए नए एटीट्यूड्स वैल्यूज फ्रॉम द अदर पर्सनस और ग्रुप्स, या वो शेयर करते हैं अपनी एक्सपीरियंस हिस्ट्री, या वो शेयर करते हैं फिर मतलब या वो शेयर करते हैं एक कॉमन लाइफ विद देम। सो इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिमिलेशन की बात करें, जो एजिमिलेशन है ये एक एसोसिएटिव प्रोसेस है, मींस ये एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि अगर हम बात करें फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप प्रोसेस है। इसके अलावा जो एजिमिलेशन है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हमें एवरी सोसाइटी में एवरी प्लेस ऑल द टाइम्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो एजिमिलेशन है ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है बिकॉज जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आके मतलब मिलके शेयर करते हैं सेम एक्सपेक्टेशंस या स्लोली वो एक्वायर करते हैं नए नए वैल्यूज। सो ये जो प्रोसेस हैं ये ओवरनाइट हमें देखने को मिलती हैं, सॉरी ओवरनाइट नहीं देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन या नॉर्मन कल्चर जो होते हैं उन्होंने मतलब उनको बहुत टाइम लगा ब्रिटिश कल्चर को एक्वायर करने में। इसके अलावा जो एजिमिलेशन है ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है बिकॉज इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मेनली कॉन्शियस नहीं होते हैं अबाउट उनके जो भी उनके वैल्यूज होते हैं या वो नए वैल्यूज एक्वायर करते हैं या वो अपने वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं बाय देम। सो जो एजिमिलेशन है इसके अलावा जो एजिमिलेशन है ये टू वे प्रोसेस है, मीन्स ये बेस्ड अपॉन है प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक। सो जो एजिमिलेशन है ये टेक प्लेस होती हैं जब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बारो करते हैं सेम कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर और उनको अडेप्ट करते हैं अपने ओन कल्चर में। सो जो यहाँ पे हमें मेन चीज़ देखने को मिलता है ये कंटेक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द टू ग्रुप्स जो कि एसेंशली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सो बोथ द ग्रुप्स अपने कल्चरल एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं और उनके सबस्टिट्यूट्स को देखते हैं और उनको नए कल्चरल एलिमेंट्स में चेंज करते हैं और नए नए कल्चरल एलिमेंट्स को वो एक्वायर करते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।